स्वागत करता हूँ स्टडी मटेरियल में। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देख लिया था कि आपको कैसे इंस्टॉलेशन करना है, एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करना है और बेसिक सिंटैक्स क्या है पाइथन का। मैंने एक वीडियो भी अभी डाला था लास्ट, उसमें कि उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक सिंटैक्स के बारे में पाइथन के, और जो भी हमने देखा था वो हमने पाइथन का जो शेल है उसमें देखा था। तो मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन को जो पाइथन है उसको आप इक्लिप्स में कैसे चलाने वाले हो, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप इक्लिप्स को कैसे डाउनलोड करोगे तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाला है। आप वहां से देख सकते हैं कि आपको इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करना है और आपको कैसे सेटअप करना है इक्लिप्स को। तो वहां पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सिंपल ये सिखाने वाला हूँ कि आपको पाइथन को कैसे रन करना है, आपके जो पाइथन के जो भी कोड्स होंगे, जो भी प्रोग्राम्स आप बनाने वाले हो उसको आप कैसे चलाओगे इक्लिप्स में। तो सबसे पहले आपने जैसे अपने वाला वीडियो देख के आपने डाउनलोड कर लिया है, सो आपको सिंपल ये करना है कि आपको जो आपका जो इक्लिप्स है उसको आपको रन करना है। तो आपका ये जो रन है ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ओपन होने के लिए। और जैसे ही आप लॉन्च करते हैं इक्लिप्स को तो आपके पास में सबसे पहला विंडो ये आता है। तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले आपको एक वर्क स्पेस क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं जो है मेरा वर्क स्पेस डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप अपना जो भी वर्क स्पेस है वो आपने अपने हिसाब से आपको क्रिएट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। इसको आप यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में इसको सिंपल लॉन्च कर दीजिए। आफ्टर आपका जो लॉन्च होगा इक्लिप्स उसके बाद में आपको ये विंडो दिखने लगेगी। सो यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि बार बार आपको ये विंडो दिखेगी, इसलिए मैं यहाँ से इसको अनचेक कर देता हूँ। और उसके बाद में आपका ये पूरा एक ओवरव्यू आपको दिखेगा या आपके सारे टैब्स खुल जाएंगे क्लिप्स में। तो सबसे पहले आपको ये करना है, आपको हेल्प में जाना है। हेल्प में जाने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद में आपको यहाँ पे वर्क विथ में यहाँ पे एक वेबसाइट पे दिख रहा होगा http://pydev.org/updates। तो ये आपको सिंपल ऐड कर लेना है इस चीज को, इस साइट को, और यहाँ पे आप पाइथन डाल सकते हैं, नो इशू, ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका सर्च, यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हाँ, जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाने लगता है कि पाइडेव फॉर इक्लिप्स, पाइडेव फॉर डेवलपर रिसोर्सेज। इसके अंदर सारे जो भी नीडेड आपके जो भी पैकेजेस हैं वो सारे इसने कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट करना है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और फिनिश कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर 6% यहाँ पे शो होने लगा है, और यहाँ पे आप प्रोग्रेस बार भी अपना देख सकते हैं कि आपकी कितना कितना परसेंटेज आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। और मैं अब इसको रीस्टार्ट का ऑप्शन वो पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ेगा इक्लिप्स को। सो यहाँ पे मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ और आपको भी रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो आप सिंपल रीस्टार्ट कर लीजिए आपके जो इक्लिप्स है उसको। तो सिंपल रीस्टार्ट करने के बाद में आपको फिर से रन करना है आपका इक्लिप्स। तो आपका रीस्टार्ट करने के बाद में आपका विंडोज फिर से जो इक्लिप्स है वो फिर से आपसे पूछता है कि आपको कौन सा वर्कस्पेस आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने अभी जो पाइथन ट्यूटोरियल के नाम से इसको बनाया था तो हमने यही वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको लॉन्च कर देते हैं। तो लॉन्च करने के बाद में आपको इक्लिप्स का जो विंडो है उसको लॉन्च कर लेते हैं। तो उसके बाद में आपको ये विंडो ओपन हो जाता है। तो आपको सबसे पहले जाना है विंडोज़ में, विंडोज़ के बाद में आपको जाना है प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पाइडेव का ऑप्शन मिलेगा।
PyDev में जाने के बाद में आपको इंटरप्रेटर के अंदर भी तीन इंटरप्रेटर है, तो उसके अंदर आपको जाना है पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर। तो आप जैसे ही यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ये पूरा विंडो ओपन हो जाता है। उसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ तो आपके पास में ऐड का ऑप्शन आएगा या फिर ब्राउज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मेरे इसमें जैसे देख सकते हैं कि अभी ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल ब्राउज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो जो आपकी इक्लिप्स की सॉरी पाइथन की जो exe फाइल थी उसकी लोकेशन ढूंढना है, मतलब यहाँ पे आपको सर्च करके उसको डालना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि आपको कैसे लेके आना है। सिंपल आपको आपका विंडोज पे क्लिक करना, IDLE सर्च करना है, राइट क्लिक करके फाइल ओपन फाइल लोकेशन, उसके बाद में यहाँ पे राइट क्लिक करना है ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पे एक शॉर्टकट की लोकेशन थी बट यहाँ पे आपका python.exe मतलब ये वाली लोकेशन अपन को सिलेक्ट करनी है। तो इस लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और हिट एंटर कर देता हूँ, तो मेरी ये लोकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, पाइथन पे सिलेक्ट करना है, ओपन करना है और यहाँ पे आपका देख सकते हैं पाइथन का इंटरप्रेटर का पाइथन नाम आ चुका है। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं बट जैसा सिस्टम ले रहा है वैसे का वैसे मैं दे देता हूँ और हिट ओके कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में आपको ओके करना है। तो यहाँ पे अपना ये सिस्टम जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है इक्लिप्स और पाइथन के बीच का वो अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे जो भी लाइब्रेरीज होगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी जो भी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज है मेरी पैकेजेस हैं वो सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद में आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। सो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अप्लाई कर दिया था अपन ने। उसके बाद में अब आपको अप्लाई एंड क्लोज करना है। सो यहाँ पे अप्लाई एंड क्लोज कर दिया है और ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पे बैकग्राउंड में आपके चलते रहेगी। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे अब अपन चलते हैं आपका जो परस्पेक्टिव है वो सेट कर लेते हैं कि आप पाइथन के अंदर कोड बना सकते हैं, उसके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल ट्रिक है उसके लिए आपको यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे जाना है। यहाँ पे देखिए ओपन पर्सपेक्टिव लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे PyDev को सिलेक्ट कर लीजिए। PyDev को जैसे आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ओपन कर दीजिए इसको, तो ये आपका PyDev का जो पाइथन का जो भी आपका पर्सपेक्टिव है वो ओपन हो चुका है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे नेविगेट करेंगे फाइल पे, फाइल के बाद में न्यू पे, न्यू के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है PyDev प्रोजेक्ट और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे दे देता हूँ स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। और यहाँ पे आपको ग्रामर वर्जन में आपको ऐसे सेम इंटरप्रेटर यूज करना है। तो आपका जो भी इंटरप्रेटर है जैसे 3.6 है मेरा इंटरप्रेटर, आपका अगर 3.8 है तो आप 3.8, 3.7 है तो 3.7, आप जो भी है उसको आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी करेंटली वर्जन है वो यहाँ पे जो अपन ने पाइथन एज ए इंटरप्रेटर डाला था इसके प्रीवियस स्टेप में, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में इसको एज अ टिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे फिनिश करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा ये पाइथन का ये एक प्रोजेक्ट बन चुका है स्टडी मटेरियल के नाम से और यहाँ पे मेरे ये पूरा वर्जन बन गया। अब इसके अंदर आपको चलना है, एक पाइथन का मॉड्यूल बनाना है। तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप एक PyDev का पैकेज क्रिएट कर सकते हैं या सोर्स फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मैं यहाँ पे सिंपल पैकेज क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो पैकेज के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट कोड फिनिश, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट कोड फिनिश हो चुका है। मतलब एक ये कि इसके इनिट फाइल बन चुकी है, एक ये मेरा फोल्डर बन चुका है इसके अंदर। और अब इसके अंदर आपको जो भी आपको फाइल क्रिएट करनी है, तो सपोज मुझे एक और डेमो की फाइल क्रिएट करनी है तो आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक PyDev मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, ओके करना है इस पे। यहाँ पे आपको
जो भी आपका पाइथन की फाइल है उसका नाम देना है। तो मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ, डेमो, और यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जो भी आप चूज कर सकते हैं, क्लास चूज कर सकते हैं मेन, बट मैं यहाँ पे सिंपल एम्प्टी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एम्प्टी को सिलेक्ट करके क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मेरा जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, कौन सी तारीख को क्रिएट हुई है, और ये यहाँ पे ऑथर का नाम भी आ चुका है। आप इसको हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे सिंपल लिखना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखने के बाद में इसको सेव करना है आपको। और रन करने के लिए आपको यहाँ इक्लिप्स के अंदर एक रन बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और रन कंट्रोल F11 भी इसका शॉर्टकट है, और आप सिंपल रन पे भी क्लिक करके रन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पाइथन रन करना है, यहाँ पे पाइथन रन सेलेक्ट करना है और ओके पे एंटर कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल पे मेरा आउटपुट आ चुका है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज 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 लाइक करें हमारे इस वीडियो को। और जो भी आपका कमेंट है या कोई भी सजेशंस है आपके, वो आप हमें बताइए कि आप ये चीज हमारे जो वीडियो है उसमें आप डालें, या हमें जो भी सजेशंस देना चाहते हैं आप वो दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को, तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हमारे वीडियो से।